आप ये बताइए कि कल रात आप सोई कि जागती रही? हम तो सोए हैं, मतलब इतनी बेचैनी नहीं हुई कि मतलब क्या। तो आपको लग रहा था कि ये घर पे पढ़ रही हैं कि खेल रही हैं? मैं पढ़ रही थी। तो आप खेल रही थी? नहीं, हम भी पढ़ रहे थे साथ। अच्छा, में मतलब साथ में पढ़ रही थी। हाँ। उन्होंने अपनी मम्मी से बोला था कि मम्मी आज मुझे 4 नहीं 6 रोटी दे दो, क्योंकि कल मुझे पेपर पूरा सोल्व करना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉर्म व्लॉग। इसमें खड़ा हुआ हूँ सिरसा में। यहाँ पर एक कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज, जिसका नाम आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बालिका इंटर कॉलेज। यहाँ पर जीके क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। आइए आपको इस विद्यालय में ले चलते हैं, यहाँ के बच्चों से मिलवाते हैं, यहाँ के टीचर से मिलवाते हैं। जो बच्चे एग्जाम देने आए हैं उनका एक्सप्रेशन क्या है, और एग्जाम देने के पहले एक्सप्रेशन क्या होगा, एग्जाम देने के बाद क्या होगा, उन बच्चों से मैं आपको आंसर दिलवाता हूँ। वो बच्चे किस प्रकार आंसर देंगे, उनका क्वेश्चन क्या होता है, और बच्चे से मिलवाकर आपको सब कुछ मालूम पड़ने वाला है। आइए चलते हैं सीधा कॉलेज के अंदर। ये कॉलेज का बैकग्राउंड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से पेपर की स्टार्टिंग इसके अंदर होगी। आप देख सकते हैं, आप आगे चलते हैं सीधे, बढ़िए आप लोग। यहाँ पर रोल नंबर लिखे हैं, हम देख सकते हैं, जैसा कि आप देखिए यहाँ पर ये रोल नंबर लिखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। किसका एग्ज़ाम देने आए हो यहाँ पर? मैं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। पेपर अभी चालू नहीं हुआ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत मतलब घबराहट सी हो रही है, मतलब कैसा होगा पेपर, कैसा नहीं मालूम नहीं है। आपका? माय नाम है सोनिया सागर जी। कहाँ से आए हैं आप? जैटोली से। जैटोली से आए हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में। 12th में आपके तो 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। हाँ। तो इस पेपर की तैयारी किस प्रकार की आपने? इसमें थोड़ा टाइम निकाल के, अपन जो पढ़ते थे सब्जेक्ट उसमें थोड़ा टाइम निकाल के सुबह शाम को उसी में की। तो इस पेपर में आपको कितनी घबराहट हो रही है या कॉन्फिडेंस के साथ आए हो? थोड़ी बहुत। क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज हंसिका सिंह। हंसिका सिंह, पेपर को मालूम आपको कब पड़ा था? कब से पेपर है आपको मालूम कब पड़ा था? सर अभी 15 दिन पहले ही पता चला था। 15 दिन पहले पेपर आपको मालूम पड़ा था। आपको तैयारी में कितना वक्त लगा, आपने कितनी तैयारी किस प्रकार की? कर लिए, मतलब इतना कि कर सकेंगे। कल की रात को आपको कैसा लग रहा था जब पेपर नहीं था? थोड़ा नर्वस थी, पर मैं कॉन्फिडेंट मेरे अंदर है कि मैं कर सकूंगी, इसलिए सर। मेरा नाम मुस्कान दुबे है जी। आप ये बताइए कि कल रात आप सोई कि जागती रही? हम तो सोए हैं, मतलब इतनी बेचैनी नहीं हुई कि मतलब खुश हो। कल का खाना खावा कि नहीं खावा? खाया। पक्का? पक्का। 2 रोटी कम की ज़्यादा? ज़्यादा। ओके। जीतू दुबे जी, आप ये बताइए कि आप इनकी सिस्टर हैं क्या? हाँ। अच्छा, तो आपको लग रहा था कि ये घर पे पढ़ रही हैं कि खेल रही हैं? मैं पढ़ रही थी। तो आप खेल रही थी? नहीं, हम भी पढ़ रहे थे साथ। अच्छा, में मतलब, साथ में पढ़ रही थी। हाँ। आप तो पेपर भी साथ में देंगी इसका मतलब? हाँ। पक्का? पक्का। रोल नंबर साथ में आया है? हाँ। तो फिर चीटिंग भी करने वाले हो? नहीं, आगे पीछे हम लोग। अच्छा, आगे पीछे है। ऐसा तो नहीं है कि चीटिंग का कुछ लेके आए हो? नहीं, चीटिंग वगैरह हम लोग लेके नहीं आए हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? हम बीए कर रहे हैं। अच्छा, बीए कर रही हैं, फिर तो कोई बात नहीं। चलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी है जी, कौन सी क्लास में आप? हम 9th में। 9th में आप? पेपर कैसा आएगा, आपको लग रहा है कुछ कठिन आएगा, सिंपल आएगा? कठिन नहीं, मतलब कि सिंपल आएगा, बस घबराहट सी आएगा। सिंपल आएगा तब भी घबराहट, ऐसा क्यों? सिंपल आएगा, मतलब सर वैसे आएगा, लेकिन हम घबराहट वैसे है कि हम पहली बार पेपर दे रहे हैं। ओके, क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, आप ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में इस समय? 12th में। आपके तो 22 फरवरी से पेपर भी है। हाँ। तो उस पेपर के लिए तैयारी ज़्यादा की है कि इस पेपर की तैयारी ज़्यादा की थी आपने? उसमें कर रहे हैं, मतलब थोड़ी बात जब भी कर रहे हैं। अच्छा, तो जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो, ये किस जगह की लैंग्वेज है पहले तो बताइए आप? ये लैंग्वेज है कहाँ की पहले तो ये? जालन की लैंग्वेज है? तो मैं तो जालन से आज बाहर रहता हूँ। नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेजल है। सेजल है, आप ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में इस समय? 9th में। तो आप 9th क्लास में, तो एग्जाम आज है, तो आप कल क्या सोच रही थी आप आज के बारे में? कुछ नहीं सर, हमने तैयारी की थी। तो सोच कुछ नहीं रही थी? सोच कुछ नहीं रही थी? सोचा क्या सोच रही थी, कुछ पूछ रहे हैं आपसे? ये सोचो कल कैसा पेपर जाएगा। अच्छा, अगर मान लो आपको कल खाना मिला नहीं मिला खाने को? मिला था। पक्के में? अच्छी बात है। आज सुबह दही शक्कर खा के आई थी? नहीं खा के आई। चलो, अच्छी बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे सभी सिस्टर्स खड़ी हुई हैं, जे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने आई हैं। इनका एग्जाम हो जाने दो, इनके उसके बाद इन लोगों से मिलता हूँ कि इनका एग्जाम कैसा गया, उसके बाद इनके
चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं इन ये खुद बताएंगे आपको। यहाँ पर जी के क्वेश्चन पेपर कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होने जा रहा है। ये रूम नंबर 1 है, इसके बाद रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3। यहाँ तक 3 कमरों में बच्चे बैठे हुए हैं। पेपर कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। पेपर उनका बच्चों का कैसे जाने वाला है, वो पेपर में क्या लिखने वाले हैं, उनको पेपर जिसमें वो भरेंगे वो सीट मिल चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं सेम सामने मेरे। इसके बाद पेपर जब पूरा हल हो जाएगा इन बच्चों से मैं पूछूंगा कि वो पेपर कैसा गया, उनके एक्सप्रेशन कैसे थे पेपर में। एक ही बच्चे से सभी क्वेश्चंस होंगे। आइए चलते हैं बच्चों के पास। दोस्तों मैं खड़ा हूँ कक्षा नंबर 2। यहाँ पर चल रहा है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पेपर जो कि कुछ ही क्षणों में चालू होने वाला है। यहाँ पर बच्चे बिल्कुल साइलेंस बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उनको पेपर सॉल्व करने की कॉपी तो मिल चुकी है लेकिन पेपर कैसा आएगा और पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे उनको अभी कुछ मालूम नहीं है, इसलिए पेपर देखने के पहले वो थोड़ा साइलेंस है। बच्चे यहाँ तैयारी तो करके आए हुए हैं लेकिन उनको पेपर देखने से पहले घबराहट हो रही है, नर्वस फील हो रही है, लेकिन पेपर देखने के बाद वो नर्वस खत्म हो जाएगी, मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन पेपर जैसे ही आपका सॉल्व हो जाए मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा कि आपके पेपर देते समय आपकी क्या फीलिंग्स थी और पेपर के पहले क्या फीलिंग है आपकी। स्टार्ट होने जा रहा है, मैं कमरा नंबर 3 में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर बच्चे कुछ बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए हैं। जो बच्चे बैठे हुए हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर पेपर देने आए हुए हैं, उन्होंने रात भर जगकर इस पेपर की पढ़ाई की है, शायद मैं सही बोल रहा हूँगा, और वो एग्जाम देने में अच्छा लगेंगे उनको। इस एग्जाम देने के बाद उनका एक्सप्रेशन क्या होगा मैं उनसे जरूर पूछूंगा, एग्जाम के बाद एक्सप्रेशन क्या उनसे पूछूंगा, और एग्जाम के पहले एक्सप्रेशन क्या है आप लोग दे सकते हैं। मेरे पीछे बच्चे खड़े हुए हैं, उनके चेहरे बहुत मासूम लग रहे हैं और बहुत साइलेंस बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं, इसलिए आप लोग इन बच्चों से मिलिए। ये बच्चा आप देख रहे हो कितना प्यारा सा बच्चा लग रहा है, आप देखिए इसको जरा ध्यान से, ये पेपर देने आया हुआ है, आप इसको देखिए ध्यान से, लेकिन इतना मासूम सा बच्चा लग रहा है ये कि पेपर देखते ही पेपर इसको नहीं, ये पेपर को सोल्व करने वाला है। ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बहुत सारे आए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरे सामने सिस्टर बैठी हुई है, देखिए इन सिस्टर को ये पेपर देने आई हुई हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रात भर सोई नहीं है कि इस चिंता में कि पेपर मेरा कल कैसा जाएगा, उस पेपर को मैं सोल्व कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, उसको देख पेपर को देख के ऐसा तो नहीं मुझे डर लगने वाला है, ऐसा तो नहीं पेपर बहुत ज़्यादा ही कठिन आने वाला है, जो रात भर सोई नहीं है, शायद इन्होंने कल का खाना भी नहीं खाया हो मेरे ख्याल से, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर और भी बच्चे बैठे हुए हैं जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इनको देखिए जरा कितनी प्यारी सी बच्ची है बैठी हुई है यहाँ पर, इसको ऐसा इसके चेहरे से देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पेपर को पूरा सोल्व करने वाली हैं। इन्होंने रात भर आराम से एक गहरी नींद सोई है, जो कि ऐसी नींद कि पिकल पेपर मैं जरूर दे कर आऊँगी पूरा। और कल इन्होंने अपनी मम्मी से बोला था कि मम्मी आज मुझे 4 नहीं 6 रोटी दे दो क्योंकि कल मुझे पेपर पूरा सोल्व करना है, उस पेपर को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हल करना है। सिस्टर आपका नाम क्या है? शशि। सिस्टर का नाम शशि है, इसलिए आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 12th। मेरी सिस्टर 12th क्लास में पढ़ती है, इनके एग्जाम 22 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं, उनके साथ साथ उन्होंने इसके एग्जाम की तैयारी भी की है। आइए ऐसे बहुत सारे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, उन बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने के बाद उन सभी बच्चों से मैं आपको मिलवाऊंगा, वो पेपर कैसा देते हैं उनके एक्सप्रेशन कैसे हैं, अभी उन बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना है, आइए मिलते हैं एग्जाम के बाद। Nothing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.
need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. एग्जाम हो रहा है, वो एग्जाम किस प्रकार से हो रहा है आप ये बताइए आप मुझे। एग्जाम जो संपन्न करा रहे हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान क्विज प्रतियोगिता के नाम से चला रहे हैं, और ये जिला स्तरीय आयोजन हो रहा है। पूरे जिला जालौन के अंदर इसका जो है आयोजन हो रहा है। जो भी बच्चे इस जिला कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करेंगे उनको जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, और हमारी पूरी संस्था का ये विचार है कि जो भी बच्चे नॉलेज में बहुत तेज हैं या अच्छी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। तो ये बीड़ा हमारी संस्था ने उठाया है, और हमारी ये संस्था आगे भी प्रतिवर्ष इस प्रकार के एग्जाम कराते रहेंगे, और बच्चों का उत्साहवर्धन करने में हम लोग कतई जो है पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। ये सर ने आपके यहाँ सेंटर जो बनाया है उसके आपके क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि मुझे बहुत खुशी हुई है मेरा विद्यालय यहाँ सेंटर बना है, इससे मेरे बच्चों को आगे बढ़ने की क्षमता मिलेगी, और प्रयास करूँगी कि मैं और भी बच्चों को प्रोत्साहित करूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं और 12वीं पढ़ रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका क्या कहना है आपका? तो वो उनके ऊपर है ना कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए बोर्ड की भी परीक्षा के एग्ज़ाम देंगे और इसके भी एग्ज़ाम देंगे। सृष्टि, किस क्लास में आप? 10th। आपके विद्यालय में जीके क्वेश्चन पेपर हो रहा है, आपने उसका एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया? हमने बोर्ड एग्ज़ाम के वजह से नहीं दे पाया, क्योंकि हमें वो बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी थी, इस वजह से अगले साल हम ज़रूर देंगे इसको। आपकी फ्रेंड्स वो एग्ज़ाम दे रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो भी मतलब इसमें निकलें और आगे मतलब बढ़ें। मीनाज, किस क्लास में आप? हाई स्कूल। हाई स्कूल में है, कब से एग्ज़ाम है आपके? 22 फरवरी से। 22 फरवरी से एग्ज़ाम है, जिसके चक्कर में आप ये एग्ज़ाम छोड़ चुकी हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी दुख भी हो रहा है, लेकिन अगले साल से हम जरूर देंगे। जरूर देंगे। आपके हाई स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार चल रही है आपकी? जी अच्छी चल रही है। क्या परसेंटेज आने वाली है आपकी? जी हमारे हिसाब से 80 से ऊपर आनी चाहिए। जानवी। जानवी, आप किस क्लास में हैं? 9th। आप 9th क्लास में, आपने फिर भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा, क्यों? वो हमारी दादी है ना, तो उनकी आँख पढ़नी है, तो इसी वजह से हम या तो 9th की पढ़ाई कर सकते थे या उनके साथ जा सकते, इस वजह से नहीं दिया हमने, इसलिए नहीं दिया। आपको कैसा लग रहा है कि जो आपके फ्रेंड्स एग्ज़ाम दे रहे हैं? हमें यही आशा है कि वो फर्स्ट आए। और अगर आप दे रही होती तो आपको क्या लगता? हम भी मतलब फर्स्ट ही आते। ओके।
जिन बच्चों का एग्जाम खत्म हो चुका है, ये बच्चे सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एग्जाम स्टार्ट किया था, अब एग्जाम फिनिश किया है। इन बच्चों के एक्सप्रेशन पहले जैसे थे उससे थोड़े बदल गए हैं। इन बच्चों की मैं इन बच्चों से पूछता हूँ कि एग्जाम कैसा गया है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए थे, इन बच्चों से मैं पूछता हूँ। क्या नाम है आपका? शिखा सक्सेना जी। आप बताइए एग्जाम कैसा गया आपका? बहुत अच्छा। पेपर देते समय नर्वस कितना हुआ था आपको? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ? पेपर पूरा सॉल्व हुआ? यस। कोई क्वेश्चन छूटा? नहीं। ओके। क्या नाम है आपका? जानकी कुशवा। एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए थे? एग्जाम में पूरी कर ली। कितने क्वेश्चन आए थे? 40। एग्जाम में 40 क्वेश्चन आए थे? 100 क्वेश्चन मतलब आए तो 100 थे, मुझे आए थे 40। अच्छा, आपको 40 आए थे। तो आपने कितने एग्जाम में कितने क्वेश्चन छोड़ दिए? एक भी नहीं। एक भी नहीं छोड़ा आपने? अच्छा, तो पेपर कैसा गया आपका? गुड। अच्छा गया। ओके। आंसर शीट कैसी थी? ओएमआर शीट में कैसा भरा आपने, क्या हुआ उसका? बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से लग रही थी। इससे पहले ओएमआर शीट कभी भरी थी? नहीं, पहली बार थी। फर्स्ट टाइम भरी है? आती थी वरना ओएमआर शीट आपको? हाँ। अच्छा, पेपर कैसा आया था आपका? अच्छा। सीनियर था जूनियर था पेपर? सीनियर था पेपर। कठिन था, सिंपल था? सिंपल था। ओके। क्या नाम आपका? शशि जी। एग्जाम के पहले आप भी नर्वस नहीं थे और अभी नर्वस नहीं हो, ऐसा क्या है? थे थोड़ी थोड़ी थे पहले। नहीं, मैंने देखा आप तब भी नर्वस नहीं थे, अभी नर्वस नहीं हो। तो स्माइल तो हमेशा ही रहती चाह रही, बट थोड़ी थोड़ी थे पहले। अच्छा, अब नहीं। पेपर कैसा गया? बढ़िया। बढ़िया गया। क्वेश्चन छूटा उसमें? नहीं। पक्का? आपके विद्यालय में जो एग्जाम हुआ है, आपने पहली बार इसके पहले कभी दिया है? हम 2-3 बार दे चुके हैं इस प्रतियोगिता को। तो उन सबसे कौन सा एग्जाम अच्छा गया था आपका? एक बार जब हम कुठौन में देने गए थे तब बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, तब हमारा उसमें नाम भी आया था। ये वाला एग्जाम? ये वाला भी अच्छा गया है, 75%। इसमें नाम आने की उम्मीद है आपकी? शायद। पक्का नहीं? आ भी सकता है, 80% आ भी सकता है, पर 100% नहीं। ओके। क्या नाम है आपका? खुशी सिंह जी। किस क्लास में हैं आप? 8th class। 8th class में है। जी के क्वेश्चन पेपर आपने कितनी बार दिया है? 2 बार। 2 बार। कौन सा सही गया आपका एग्जाम? जो एक बार पहले दे चुके वो काफ़ी सही गया था, इससे पहले सही। तो आप बताइए आपने एग्जाम देते समय कितना नर्वस फील हो रहा था आपको? मतलब स्टार्टिंग में नर्वस हुए थे, बट जब पेपर मिल गया तब नहीं थे ज़्यादा। अच्छा, आपको लगा पेपर कठिन है सिंपल है? मतलब मीडियम था, ना ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा इजी था, मीडियम था। मीडियम था। हाँ। अगर एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं थी, अगर होती तो क्या करती हैं आप? तब भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी क्वेश्चन आ जाते। ओके। क्या नाम है आपका? रजनी। किस क्लास में आप? 11th class में। 11th class में है। किस सब्जेक्ट से हैं आप? अब मैं आर्ट साइड से हूँ, मतलब और सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश और वगैरह हैं। अच्छा, 8 साल से हैं आप। तो ये बताइए आपने जो जीके क्वेश्चन पेपर जब देने बैठी थी आपको क्या फील हो रहा था? मुझे थोड़ा तो डर लग रहा था, पर अब ठीक है। अब ठीक है? हाँ। डर क्यों लग रहा था? आपने पढ़ाई नहीं की थी क्या? नहीं, पढ़ाई तो की थी, पर मतलब मुझे लगा कुछ और सब्जेक्ट ना आ जाए, इसलिए थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, पर अब ठीक है। अब ठीक है? हाँ। क्या आप घर पे जाके पेपर मिलाओगे क्या? हाँ, मिलाऊंगी जरूर। पक्का? पक्का। ओके।